मेरा जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स आई वाज अ फुल ब्लोन नॉन वेजिटेरियन बाय द वे टिल अबाउट 15 टिल आई वाज 30. सो मैं पूरा सब कुछ खाता था. इनफैक्ट एक दोस्त ने अभी हाल में फेसबुक पे पोस्ट किया कि ये 26 टाइप के मीट्स हैं जो इंसान रेगुलरली खाता है अलग अलग जगहों में वर्ल्ड के. तो उसमें से मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला कि मैं 6 टाइप के इसमें खाता हूँ, 26 टाइप में. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ मैं कितने खाता था या कितने खाए हैं मैंने. आई ईट इन 22 ऑफ द 26, सो दैट इज द काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन आई वॉज एंड आई ट्रेवल्ड अलॉट. तो इस वजह से पहले ये था कि भाई जो भी दूसरा खा सकता है मैं भी खा सकता हूँ. बट माई ट्रांजिशन वॉज इन दैट मॉरल ओरिएंटेड और ओरिएंटेड थ्रू इवन द लव फॉर द प्लैनेट. दैट वॉज देयर बट इट इवॉल्व डिफरेंटली. मेरा वॉज मोर नेचुरली ओरिएंटेड बिकॉज आई गॉट इन टू अ सर्टन काइंड ऑफ मेडिटेशन. एंड उस समय जो लोग मुझे सिखा रहे थे वो मेडिटेशन, उन्होंने बोला, मैंने उनसे बोला कि मैं इसको रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप. लेकिन फिर उन्होंने पलट के बोला लेकिन यार तुम नॉन वेज नहीं खा पाओगे. तो आई लुक्ड एट देम, आई सेड कि मतलब कि नॉन वेज नहीं खा सकता हूँ या कुछ और? तो बोला नहीं, तुम्हारा शरीर रिजेक्ट करने लग जाएगा नॉन वेज. तो आई स्टार्टेड लाफिंग एट देम. आई सेड यार तुम मम्बो जम्बो लोग कुछ भी बोलते हो एंड आई प्रूव यू रॉन्ग. बट लिटरली एक हफ्ते में आई कुड नॉट टेक इन रेड मीट. Maybe a month of struggle with white chicken, and maybe another few months of fish. Then eggs went out, then milk went out. It just sort of kept going out because then I got deeper into practices which were more aligning with the universe. Chandra Prabha ne baat kahi ki everything is one in the end. And when you realize that and you connect with the energy whole, you get guided. So it's not a very moralistic perspective. It is more a connected perspective, I would say, that has led me to the kind of food I consume, the lifestyle I lead, the work I do. So everything gets connected to the whole, what Chandra Prabha was saying, the whole idea of it being the one universe. The more you align with that, it guides you. You don't need religion, you don't need doctrine, you don't need anything else. Everything else is connected.